एक मिनट की बात समझ लो तुम। एक मिनट में क्या करना है यार समझ लो तुम। जी हाँ, एक मिनट की अहमियत उनसे पूछिए जिनकी बस छूट गई है, या फिर एक मिनट की अहमियत उस विद्यार्थी से पूछिए जिसका एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है लेकिन टाइम पूरा हो गया है। वो बताएंगे कि एक मिनट कितना जरूरी है। आज हम देखेंगे कि एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है गणित में भी। एक छोटी सी गेम है हमारे पास, इसमें हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को रैंडमली लिखा है, एक सीधी पंक्ति में नहीं लिखा है। यहां पर हमने चार्ट्स के कुछ रिंग्स बनाए हैं और इन हर रिंग पर एक ना एक क्वेश्चन लिखा है। गेम बड़ी सिंपल सी है कि 1 मिनट या 2 मिनट में बच्चा इस रिंग को यहां से उठाकर उसको हल करने के बाद संख्या, उत्तर संख्या ढूंढेगा और उसमें ये रिंग डाल देगा। चलिए हम 1 मिनट में देखते हैं कितनी रिंग्स मैं इसमें डाल पाता हूं। ओके, टाइम स्टार्ट्स। 8 और 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18। अरे 18 कहां गया? 18 18 18 ये रहा। 5 3 और 3 6 6 ये रहा। 4 और 8 12 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
पांच पांच ये रहा और नौ और छह पंद्रह पंद्रह ये रहा, तीन और आठ ग्यारह 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 ये रहा, एक और दस फिर से ग्यारह और दो और दस बारह, तेरह और पांच अठारह 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 ये रहा, आठ और तीन ग्यारह, नौ और छः पंद्रह पंद्रह ये रहा, और ये टाइम अप। आइए देखते हैं मैं एक मिनट में कितने रिंग्स इसमें डाल पाया। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह रिंग्स, नॉट बैड। इस तरह से ये एक छोटी सी गेम है जिसमें एक मिनट दो मिनट या पांच मिनट बच्चे को देकर हम देख सकते हैं कि वो कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है थोड़े से टाइम में। मेंटल मैथ्स की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और कभी गेम शो करवाना हो तो भी बहुत बढ़िया है।